साढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने संकल्प है कि 2047 तक असं एक विकसित देश या डेवलप कंट्री हो गए। वो साइंस फिक्शन जी है ना वो रियालिटी हो रही है और उत्ते जो जाके कॉलोनिया कट्टो गए तो चंगे साइज दिया कटना ये ना कहना वो जरा गलिया गुलिया छोटिया छोटिया कॉलोनिया। खबर लैंदे हां अमृतसर तो जिथे अमृतसर विखे केंद्रीय मंत्री मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम नूं लै के अमृतसर फेरी ते पहुंचे। प्रोग्राम में शामिल होने तो पहला हरदीप पुरी दे वल्लों गुरु घर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच मत्था टेकिया गया अते सरबत दे भले दी अरदास भी की गई। इस मौके ते हरदीप पुरी ने कहा कि जो नवा गठजोड़ बनया है वह सफल नहीं होया, वह मोदी जी नूं हराना चाहते हैं जो पूरा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिकता दे लिहाज नाल भारत 10वें स्थान तो हुण 5वें स्थान ते पहुंच गया है दुनिया विच। उन्होंने कहा कि अगले होर महीनों के तीजे स्थान से भारत नूं लै आणगे। चोण लड़न वाले हरदीप पुरी नूं पुछा गया तां उन्होंने कहा कि मैं पिछली बार भी चोण नहीं लड़ना चाहुंदा सी, तुसीं लोकां ने मैनूं फसाया सी। अज असी सारे बहुत खुश नसीब हां जी। पार्टी ने यह तय किया कि अमृतकाल साढ़े माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने संकल्प है कि 2047 तक असी एक विकसित देश या डेवलप कंट्री होवांगे। आज गुरु की नगरी आने का मौका मिलिया तो इतों की जड़ी माटी है उन्होंने ले जाके कलश कर्तव्य पथ देश भर तो मेरी तो ड्यूटी लगी इतने आने की। बाकी पार्टी के तरफों साढ़े बाकी सारे मंत्रिमंडल के मेरे साथी ने साढ़े बाकी MP साहिबान ने सारे ये प्रोग्राम में कुछ दिन चलेगा तो बाकी मैं थोड़े सारे बधाई देना चाहना। हाँ चंद्रयान की चंद्रा मामा उत्थे तो पहुँच गया तो मैं क्योंकि हाउसिंग मिनिस्टर हाँ मैं अपने दिल्ली से क्रेडाई का फंक्शन से उन्होंने कह रहा है मैं यार एक काम करना तुसी वो साइंस फिक्शन जी है ना वो रियालिटी हो रही है और उत्ते जो जाके कॉलोनिया कट्टो गए तो चंगे साइज दियां कटना ये ना कहना वो जरा गलियां गुलियां छोटिया छोटिया कॉलोनियां ना ना वो बिल्कुल बिल्कुल सही है तो वड्डे मतलब खुले दिल नाल हुण इत्थे इंज हैगा कि जो से मैं लगता है कि जो परमानेंट प्रेजेंस होएगी तो इत्थे गुरु की नगरी की पवित्र जड़ी मिट्टी है वो भी असं चंदा वहां तक पहुंचावे। यार गल सुनो तुसी क्यों ना तुहाडा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बड़ा चंगा है। कन्वीनर हो नहीं बना सकते ठीक है वो एक कन्वीनर की जगह 11 मेंबर की कन्वीनर कमेटी बनाना चाहते हैं। हाँ तो दूजी गल सुनो वो इंज हैगा उन्होंने पूछा तुहाडा प्रोग्राम की है। मोदी जी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली सी 2014 च असि दुनिया भर इंडिया वॉज द 10th लार्जेस्ट इकोनमी अज इंडिया 5वें स्थान ते पहुंच गया और जिन्होंने 190 साल की हुकूमत रही है इंडिया के यूके उन्होंने ओवरटेक कर लिया हूँ असी कुछ महीनों के अंदर ही अंदर तीजे स्थान पर पहुँचांगे। मोदी जी ने बड़े कॉन्फिडेंस नाल कहा है कि थर्ड टर्म विच इंडिया विल बी वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट इकोनमीज इन द वर्ल्ड। अच्छा उन्होंने छोड़ो बाकी तुसी कार्यक्रम देख लो सारे सारे जो विकास का काम होया देश भर में विपक्ष का होर की काम होता विरोध करना। बाकी सीरियसली तुसी देखो ते उन्होंने अपने लोग कहते हैं पिछले 3 महीने जिन्होंने शायद 5 दिन कट्ठे होके कुछ अपना दिमाग लड़ाया। अच्छा मैं तुहानू एक सवाल पूछना तुहानू की लगता ममता जी बंगाल CPIM नाल ते कांग्रेस नाल अपना कुछ गठबंधन कर सकती है? तुहाडे केजरीवाल जी भगवंत मान जी इत्थे कांग्रेस नाल इत्थे या दिल्ली लोकल इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो मैंने तुसी अगर इहो जिहा सवाल पुछो तो मैं लगता कि ये एक्सरसाइज चलेगी
अजय अजय दुकान खुली नहीं है तो खुलने पहले ही बंद हो गया। मैंने मैं तो पिछली बार नहीं लड़ना चाहता सी, तुसी फसाता मनु यार मेरी मेरी इंडिया ना भारत रखे जा रहा किस तरह इंडिया ना ही भारत है इंडिया का नाम भारत है रखिया कौन कौन रख रहा हाँ जी सिरसा जी पूछ लें मनु तो नहीं लगता चलो पेट्रोल यार दो साल पेट्रोल दीमत घटिया नहीं ना दो साल 5% घट हुई है कम से कम सवाल तो जरा तैयारी कर एवन पंजाबी टीवी लई अमृतसर तो सुनील खोसा रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनियां कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फी रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज मोटापे तो परेशान होण दी जरूरत नहीं वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करदा है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फी रिलीफ पावर कबज तो परेशान होण दी हुण जरूरत नहीं है कबज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कबज हर चूरन। कबज हर चूरन नू अपनाओ ते कबज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087 नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087